नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी कमल राज मिश्र रोहतक में अपने प्रदेश कार्यालय पहुंचे। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा के संबंध में क्या कहा, ये आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं पल पल की इस विशेष रिपोर्ट। सर, बैठकों का तो दौर जारी है, लोग इंतजार कर रहे हैं कब आपके प्रदर्शन। देखिए, पार्टी के हिसाब से जितनी हमारी अधिकाधिक तैयारी हो जाए निचले स्तर तक, उतना ही जो भी उम्मीदवार आएगा उसके लिए लाभदायक होगा। और इसलिए हमारी तैयारी उस हिसाब से है और उम्मीदवारों का भी उनकी घोषणा भी जल्दी से जल्दी हो जाएगी, क्योंकि 12 मई को है चुनाव, तो बहुत पहले घोषणा करना भी ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कि आगामी एक सप्ताह के अंदर घोषणा होगी। मिश्र जी, आप उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, वहाँ पर सपा और बसपा की वजह से जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि भाजपा को नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इन सारी चुनौतियों को स्वीकार किया और जिस प्रकार के लोग आ रहे हैं, गठबंधन के आधार पर आ रहे हैं, सबने उत्तर प्रदेश में शासन चलाया है, सबके शासन को जनता ने देखा है और सबको एकदम नकारा है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से केंद्रीय योजनाओं के द्वारा आम आदमी लाभान्वित हो रहे हैं, उसमें बिरादरी जाति इसका वैर्य फूटा है और सब होने के पश्चात भी सपा बसपा और जो भी कोई होने के पश्चात भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रभावी बहुमत से जीती है। राहुल गांधी ने वायनाड से नामांकन किया है, बाकी